दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्नैपचैट अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी तरीका है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज कर दिया है स्नैपचैट ने। अब कैसे डीएक्टिवेट या फिर डिलीट करना है इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो छोटी सी वीडियो की, वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्य आसवी का, स्वागत है मेरा रूप नॉल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चले प्रॉपर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। बात कर लेते हैं प्रोसेस की, कैसे स्नैपचैट अकाउंट डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कर सकती हो और कैसे रीएक्टिवेट भी कर पाओगे, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इसके लिए मैं आपको स्नैपचैट में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर स्नैपचैट ओपन करने के बाद तो एक बार पहले स्नैपचैट ऐप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि सारे सेटिंग चेंज हो चुका है। ऊपर यहाँ पर एक प्रोफाइल आइकन है, यह प्रोफाइल आइकन यहाँ पर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, ऊपर एक सेटिंग आइकन है और यह सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आइए और यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा डिलीट करने के लिए या फिर डीएक्टिवेट करने के लिए। सो यहाँ से आपको नीचे आना है, पूरा नीचे आइए। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी, यहाँ पर ये देखिए आई नीड हेल्प, यह ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यह ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज माय अकाउंट, यहाँ पर नीचे ऑप्शन है। और यहाँ से प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, रीएक्टिवेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। नीचे ऑप्शन है मैनेज माय अकाउंट, और अगर आपको यहाँ पर नीचे मैनेज माय अकाउंट ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऊपर एक थ्री लाइन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन है मैनेज माय अकाउंट, ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट और रीएक्टिवेट माय अकाउंट, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, नीचे यहाँ पर एक हाउ डू आई डिलीट माय स्नैपचैट अकाउंट, ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर नीचे देखिए टू डिलीट योर अकाउंट इफ यू आर ऑन iOS टैप द सेटिंग बटन प्रोफाइल स्क्रीन टू ओपन सेटिंग स्क्रोल डाउन अकाउंट एक्शन टैप डिलीट अकाउंट। तो ये iOS के लिए है, यानी आईफोन के लिए है, लेकिन हमारे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है, कैसे हम डिलीट करेंगे। नीचे यहाँ पर देखिए गो टू द अकाउंट पोर्टल, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, ये देखिए अकाउंट पोर्टल, ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने अगर ये एरर आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये एरर आ रहा है वेब पेज नॉट अवेलेबल, देख सकते हो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये लिंक कॉपी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए HTTP, ये लिंक आपको बस कॉपी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर करोगे, बस आपको यहाँ तक का ये लिंक कॉपी करना है, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से लिंक कॉपी कीजिए, लिंक कॉपी करने के बाद, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी लिंक कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र में आपको ये लिंक ओपन करना है, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र में आपको सजेस्ट करूँगा, क्रोम ब्राउज़र यूज़ कीजिए और यहाँ पर ये लिंक मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये देखिए, अगर ऐप में आपको ये एरर आता है तो आपको ये लिंक क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है, ठीक है, या फिर जो भी ब्राउज़र में करना चाहती हो। फिर आपसे ये पूछेगा यूज़र नेम, अगर आपको यूज़र नेम नहीं पता, कैसे पता करोगे, आपको स्नैपचैट के ऐप में ही यूज़र नेम मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर देखिए स्नैपचैट में हम यहाँ से बैक करते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर आपको यूज़र नेम मिल जाएगा, यहाँ से आपको यूज़र नेम लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़र नेम एंटर कर लेता हूँ, फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करोगे, फिर आपको यहाँ पर होल्ड करना होगा कुछ सेकंड, ये देखिए, फिर आपको ये पासवर्ड मांगेगा, लेकिन हमें पासवर्ड तो पता नहीं है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, एक तरीका आपको बताता हूँ, जीमेल ओपन कीजिए, ठीक है। जीमेल ओपन करने के बाद ये प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर स्वाइप कीजिए, सिक्योरिटी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर पूरा नीचे आइए, नीचे यहाँ पर देखिए पासवर्ड मैनेजर, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जितने भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड ऐप होते हैं वो सारे यहाँ पर सेव होते हैं। यहाँ पर देखिए स्नैपचैट, यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। यहाँ से आपको पासवर्ड कॉपी कर लेना, यहाँ पर क्लिक करोगे ये पासवर्ड कॉपी हो जाएगा। वापस से ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, लेट्स सी ये पासवर्ड सही है या फिर नहीं है, देख लेते हैं। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है,
और यह पासवर्ड बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक डिलीट अकाउंट, यहाँ पर नीचे देखिए पासवर्ड एंटर करना है। फिर से वापस से हमने पासवर्ड कॉपी किया है, वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर करोगे और ये देखिए अकाउंट डीएक्टिवेट, योर स्नैपचैट अकाउंट विल बी डीएक्टिवेट सून इफ़ यू हैव वेरीफाइड ईमेल एड्रेस विथ स्नैपचैट विल सेंड यू कन्फर्मेशन वंस योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेट इन 30 डेज योर अकाउंट विल बी डिलीटेड इफ़ यू लाइक टू डीएक्टिवेट योर अकाउंट बिफोर द हैपेंस जस्ट लॉग इन टू स्नैपचैट। अकाउंट यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुका है लेकिन अभी ये डीएक्टिवेट रहेगा ही, ठीक है। अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो चुका है लेकिन अकाउंट अभी ये डीएक्टिवेट रहेगा 30 दिनों के लिए। और आपका अकाउंट अगर कोई सर्च भी करेगा उसे आपका स्नैपचैट आईडी नहीं मिलेगा और आपके जितने भी स्नैपचैट स्ट्रिक हैं वो भी यहाँ पर टूट जाएंगे। अगर आपका मन बदल जाता है फिर से अगर आप लॉगिन करोगे ये फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन 30 दिनों के अंदर। अगर आप 30 दिनों तक लॉगिन नहीं करते हो अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो देखा कितना सिंपल सा प्रोसेस था, लेकिन इन्होंने सेटिंग को सारे घुमा फिरा कर दिया है, ठीक है, मतलब घुमा के फिरा के ऐसे कर दिया है। तो सिमिलर है जैसा फेसबुक में होता है, जैसे इंस्टाग्राम में है, वैसे ही स्नैपचैट में यहाँ पर अकाउंट डीएक्टिवेट रहता है 30 दिनों तक। अगर आपका मन बदल जाता है फिर से लॉगिन कर लोगे वहाँ से डायरेक्ट तो फिर से ये रीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हो, लॉगिन नहीं करना है, ये डिलीट हो जाएगा 30 दिनों के बाद। अगर आपका वैसे आप क्यों डिलीट करना चाहते हो स्नैपचैट अकाउंट, ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है कमेंट करना, यस, अगर कोई दिक्कत है फिर भी आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट मैसेज, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके मैसेजेस का मैं रिप्लाई कर सकूँ। वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।